हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं मोकम सिंह। आज अपने पढ़ने जा रही हैं क्लास 12th इंग्लिश लिटरेचर। अपना टॉपिक बेटा चल रहा है नरेशंस, यानी कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, जिसमें अपने कर चुके हैं असर्टिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस एंड कल किए थे इंपेरेटिव सेंटेंस। यानी कि तीन सेंटेंस के टाइप अपने कर चुके हैं कि उनका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्जन कैसे किया जाता है। उनके अपने अलग अलग रूल हैं, जैसे असर्टिव में जो कंजक्शन होता है वो दैट लगाया जाता है, और इंटरोगेटिव में दो तरह के कंजक्शन होते हैं। अगर वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं क्वेश्चन, तो कंजक्शन आएगा इफ और वेदर। अगर वो क्वेश्चन डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, तो कंजक्शन डब्ल्यू एच वर्ड इटसेल्फ, यानी कि वो खुद ही आएगा। इंपेरेटिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा को हटा के जो कंजक्शन आएगा वो आएगा टू। इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं याद है? असर्टिव इंटरोगेटिव तो याद होंगे। असर्टिव जो नॉर्मल वाक्य आते हैं, सकारात्मक नकारात्मक दोनों आ जाते हैं, लेकिन सिंपल सेंटेंस फॉर्म। इंटरोगेटिव जिनमें कोई सवाल पूछा जाता है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ जाती है। इंपेरेटिव क्या थे कल किए भाई अपने लास्ट वीडियो में? तो इंपेरेटिव होते हैं जिनमें बेटा क्या क्या, जिनमें जो सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं वो क्या कहलाते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। यानी जिनमें कोई आदेश दिया जाता है, रिक्वेस्ट की जाती है, कोई सजेशन दी जाती है, या किसी चीज से मना किया जाता है, कमांड दी जाती है, वो कहलाते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। अभी दो तरह के सेंटेंसेस अपने पास बचे हैं जो अपने करने हैं। एक होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बेटा क्या होते हैं? ये बने हैं वर्ड एक्सक्लेम से। एक्सक्लेम होता है यानी कि किसी बात में कोई स्पेशल एक्सप्रेशन जब दिखाया जाता है तो उसे एक्सक्लेम करना कहा जाता है। मान लो वो करता है ना सैफ अली खान, वाओ, ठीक है। जब कोई खास एक्सप्रेशन दिया जाता है तो आप करते हैं, जब आपको कोई चीज लगता है बुरा हुआ, ओह, जब आपको कुछ याद आता है ओह, जब आप सरप्राइज होते हैं तब कहते हैं ओह। तो डिफरेंट काइंड ऑफ है ओह, लेकिन सब उसके एक्सप्रेशन अलग अलग हैं, अलग अलग टाइप का है। अगर आप ढीले मुंह के साथ हो कह रहे हैं ओ, तो आप क्या कर रहे हैं बेटा? पश्चाताप कर रहे हैं। अगर आप खुशी से कह रहे हैं ओ, तो क्या कर रहे हैं आप? आपको एक क्या आता है बेटा? सरप्राइज होता है, आप खुश होते हैं। उसी तरह वाह क्या आता है? मैं आप कहते हैं वाह, तो आपको क्या आता है? खुशी हो रही होती है, ठीक है। आप उसको कहते हैं ब्रेवो, शाबाश। तो जिन वर्ड्स के साथ कोई ना कोई एक्सप्रेशन अटैच्ड होता है वो बेटा एक्सक्लेमेटरी वर्ड कहलाते हैं, और इन वर्ड्स के साथ बने हुए सेंटेंसेस क्या कहलाते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस की एक पहचान होती है, इनमें एक ऐसा मार्क जुड़ा होता है जिसे एक्सक्लेमेटरी मार्क कहते हैं, यानी कि अ लाइन एंड बिलो अ डॉट। तो एक्सक्लेमेटरी एक वर्ड भी हो सकता है और एक कंप्लीट सेंटेंस भी हो सकता है। जैसे वाओ इज अ एक्सक्लेमेटरी वर्ड। आप किसी सेंटेंस में भी एक्सक्लेमेशन शो कर सकते हैं। मान लो आपको एक कार बहुत ही अच्छी लगी, आप क्या कहते हैं? वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल कार, कि वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल कार। या सीधा भी कह सकते हो व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, कितना सुंदर घर है। यानी कि आप क्या करते हैं? एक्सक्लेम करते हैं, अपना एक्सप्रेशन शो करते हैं। आप कहते हैं ना व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, करते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस। तो आप किसी भी चीज की तरफ क्या करते हैं? एक्सक्लेम करते हैं। आपका दोस्त एक नया फोन लेके आता है तो आप क्या कहते हैं? अरे वाह यार, बड़ा बढ़िया फोन है, ठीक है, और कितना बढ़िया फोन है भाई। तो आप जब एक्सक्लेम करते हैं वैसे ही वाक्यों को, वैसे सेंटेंसेस को बेटा क्या कहा जाता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहा जाता है। तो पहचान है इनकी,
एक्सक्लेमेशन मार्क, जैसे कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की पहचान होती है बेटा, इंटरोगेशन मार्क उसी तरह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की पहचान होती है एक्सक्लेमेशन मार्क। तो अभी अपने इस वीडियो में करेंगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज किया जाता है। जो सबसे पहला रूल रहता है जो अब तक अपने करते रहे हैं, जो एक्सक्लेमेशन रहेगा बेटा, ठीक है, एक्सक्लेमेशन रहेगा उसको अपने किसमें चेंज करेंगे, उसको अपने चेंज करेंगे स्टेटमेंट में। यानी कि एक्सक्लेमेशन में कहा जाता है कि व्हाट अ ब्यूटीफुल कार, लेकिन आप उसको चेंज कर देंगे कि भाई उसने एक्सक्लेम करके कहा कि कितनी अच्छी कार है, ठीक है। इसका जो कंजक्शन रहेगा बेटा, इनका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का जो कंजक्शन रहेगा वो बिल्कुल असर्टिव सेंटेंस वाला रहेगा, और वो क्या था बेटा, वो था दैट। यानी कि जो कंजक्शन है वो आएगा दैट, आएगा दैट कंजक्शन, क्लियर। ओके, अब क्या करते हैं, आपको बताते हैं भी कौन कौन से वर्ड एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होते हैं और वो किस लिए यूज किए जाते हैं, कैसे यूज किए जाते हैं, उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे करना है, यानी कि उनके साथ क्या क्या किया जा सकता है, कैसे वो हेल्प करते हैं एक डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करने के। वाओ, ब्रावो, हुर्रे, ओ, बी, ओके। तो ये बेटा कुछ वर्ड्स हैं आपके सामने जो मोस्टली आपको दिख जाएंगे, यानी कि जनरली जो यूज किए जाते हैं एज टू शो एनी एक्सक्लेमेशन इन अ सेंटेंस। ओके, अलास, वाओ, ब्रेवो, हुर्रे, ओ, पी, ओ, ओके, ये एक्सक्लेम करते हैं। अलास बेटा तब लिखा जाता है जब आपको कोई ग्रीफ हो, कोई दुख हो, कोई पीड़ा हो, कोई भी आप चिंता दुख जाहिर कर रहे हैं किसी सेंटेंस में, कि यार मेरा दोस्त फेल हो गया, तो आप कहते हैं अलास, माय फ्रेंड फेल। आप जब दुख जाहिर कर रहे हैं तब आप ये इस वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब किसी सेंटेंस में बेटा आपको अलास दिखता है तो उसमें क्या दिखता है आपको, सौरो दिखता है आपको, क्या दिखता है, ग्रीफ दिखता है, क्या दिखता है, सौरो और ग्रीफ। जब आप किसी सेंटेंस में कहते हैं वाओ, कब कहते हैं आप वाओ बेटा, जब आपको बहुत ज्यादा खुशी होती है, आप इंजॉय करते हैं, किसी जॉय में होते हैं, तो वो वाओ शब्द का भी इस्तेमाल किया जाता है जब आप जॉय में होते हैं। ब्रेवो, इतना तो आप पिक्चर्स देखते होगे तो उसमें कहा जाता है ब्रेवो, यू हैव डन वेल, तुमने बहुत अच्छा किया, तो ब्रेवो बेटा शाबाश दी जाती है, क्या दिया जाता है, शाबाश दी जाती है, यानी कि अपलॉड किया जाता है, प्रशंसा की जाती है, तब कहा जाता है ब्रेवो। अबे बेटा हुर्रे, हुर्रे तो आप अपनी भाषा में कह सकते हैं भी हुर्रे, लेकिन इंग्लिश में भी हुर्रे का मतलब होता है वोई, जॉय। जब खुशी होती है तब आप या तो वाओ कहते हैं या आप
हुर्रे का इस्तेमाल करते हैं। अब आपके सामने एक शब्द है ओ, जो मैंने अभी आपको शुरुआत में बताया था कि दो तरह से ओ बोला जा सकता है। या तो आप किसी चीज को देखकर क्या है बेटा सरप्राइज्ड है, या आप किसी चीज को देखकर पश्चाताप कर रहे हैं कि ये भाई गलत हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ईदर फॉर सरप्राइज और फॉर रिग्रेट, या तो सरप्राइज के लिए या रिग्रेट के लिए। इस पी और उ का इस्तेमाल किया जाता है जब बेटा क्या होता है डिस्पाइज और डिसगस्ट। डिस्पाइज और डिसगस्ट का मतलब होता है जब आपको किसी चीज से चिढ़ चढ़ रही है, आपको किसी चीज से क्या हो रही है घृणा हो रही है। आप कहते हैं ना उफ भाई बहुत बुरा लग रहा है, क्या कहते हैं फी, ठीक है। तो किसी भी चीज से या किसी शब्द से किसी की बात से किसी चीज को देखकर अगर आपको उससे घृणा हो रही है, वो आपको पसंद नहीं है, वो आपको दिमागी तौर से परेशान कर रही है और आप उसको इग्नोर करना चाह रहे हैं, तब आप क्या करते हैं इन दोनों का इस्तेमाल पी एंड ओ का, यानी कि डिस्पाइज एंड डिसगस्ट, ठीक है जी। डिस्पाइज एंड डिसगस्ट, ठीक है। ये इनके मीनिंग बता दिए कि जब सौरव या ग्रीफ हो तो अलास, जॉय हो तो वाओ, हुर्रे शाबाश या अपलोड करने के लिए ब्रेवो, सरप्राइज रिग्रेट के लिए ओ और डिस्पाइज डिस्गस्ट के लिए पी एन ओ। ओके, अब जब कन्वर्ट करते हैं तब इनका इस्तेमाल बेटा कैसे किया जाता है वो देखेंगे, ठीक है। यानी कि अपना काम मेन क्या है, अपना मेन काम है डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना ना। तो जब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना ही अपना मेन काम है तो वो कैसे होते हैं वो देखिए। ये लिखिए बेटा, सौरव ग्रीफ अल्लास के लिए, वाओ के लिए जॉय, ब्रेवो के लिए अपलॉड, हुर्रे के लिए जॉय, ओ के लिए सरप्राइज, इनके लिए डिस्पाइज एंड डिसगस्ट। तो किसी सेंटेंस में जहां अलास दिखेगा उसको जब बेटा आप एक्सक्लेमेटरी में चेंज करेंगे तो आप लिखेंगे उसको इनडायरेक्ट में चेंज कर देंगे, ये वर्ड हटा दिए जाएंगे। जब आप इनसे बने हुए सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो आप इन वर्ड्स को हटा देंगे और इनकी जगह लिखेंगे जो अभी मैं आपको लिख के दूंगा, एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ या बेटा सौरव, या तो ग्रीफ के साथ एक्सक्लेम किया गया वाक्य है या सौरव, यानी कि दोनों का मतलब है दुख। वाओ, तो इसको बेटा लिखेंगे Exclaimed with joy। तो यहां आएगा applauded him saying that, applauded him saying that, आगे dash dash dash। हुर्रे same, exclaimed with joy, एक्सक्लेम विद जॉय। उसी तरह ओ एक्सक्लेम, एक्सक्लेम विद सरप्राइज, एक्सक्लेम विद सरप्राइज और रिग्रेट, जो आपको अच्छा लगे, अच्छा लगे नहीं, जो सेंटेंस में बेटा अप्रोप्रिएट हो, यानी कि सेंटेंस पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा कि वो सरप्राइज वाली बात थी या रिग्रेट वाली बात, ठीक है। तो फी और इसका आएगा एक्सक्लेम विद डिसगस्ट, एक्सक्लेम्ड विद डिसगस्ट या डिस्पाइज। तो इनके आने के चांसेस बेटा बहुत ही कम है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा, ठीक है।
मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि इनके आने के चांसेस कम है, बिकॉज अगर आपके सिलेबस में है तो चांसेस है। वैसे ये सिलेबस में इनका होने या ना होने की कोई बात नहीं है, आपके सिलेबस में सिर्फ टॉपिक है नरेशन, और जो भी दुनिया में नरेशन से संबंधित चीज है वो कहीं से भी आ सकती है, समझे। तो जब भी आपको ऐसे वर्ड्स दिखेंगे, सॉरी, अलास एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ, वाओ एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ब्रेवो एक्सक्लेम्ड विद अपलॉडेड हिम सेइंग दैट, हुर्रे एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ओ एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, बी एक्सक्लेम्ड विद डिस्गस्ट, क्लियर है। अब क्या करते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस क्या, इनके साथ बनाएंगे अपने बेटा सेंटेंसेस। He said, पेपर में आपको ऐसा सेंटेंस मिल सकता है, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। तुमने कहा हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, कि हम मैच जीत चुके हैं। तो बेटा यहां सैड है, यहां क्या है हुर्रे, और हुर्रे क्या होता है, खुशी होती है। तो यहां बनाएंगे ही एक्सक्लेम, क्या समझे, एक्सक्लेमेशन मार्क है तो एक्सक्लेम्ड है, और हुर्रे कौन सा एक्सक्लेम्ड होता है, रिग्रेट, सरप्राइज, डिस्गस्ट या अपलॉड, कौन सा होता है भाई। मेरा मन कह रहा है कि ये जॉय होता है, क्या होता है, जॉय, खुशी होती है ना। आप कहते हैं हुर्रे हम मैच जीत चुके, आप जैसे होते हैं ना, वो कई लोग होते हैं आप जैसे या मेरे जैसे, कैसे भी कह लो, भी ना तो मैच में खेल रहे हैं, ना ही आप 12वें 13वें प्लेयर हैं, बस आप शायद पानी पिलाने में हेल्प कर रहे होंगे, बाहर बैठे रहते हैं, और जब मैच जीत चुके हैं, यस हम मैच जीत गए, आपने क्या जीता, मैंने क्या जीता, भाई मैच तो उसने जीता ना जो खेला, चलो छोड़ी बात, ठीक है, मैं तो ऐसा ही हूं, ठीक है, बाहर बैठने वाले हूं, वाह हम मैच जीत गए, ठीक है, हम में अपने ऐसे ही अपने आप को धक्के से ले आते हैं, हम मैच जीत चुके, पानी पिला के जिताया मैच, ठीक है। ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, कंजक्शन बेटा, दैट वी, क्या आएगा, वी, दैट वी हैड, ये हैव बेटा प्रेजेंट परफेक्ट चेंज हो जाएगा बेटा पास्ट परफेक्ट में, दैट वी हैड वॉन द मैच, इज इट क्लियर। ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट वी हैड वॉन द मैच, यानी कि मान लो, फिर बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते क्या है। मान लो मैं बैठा था, ठीक है, मैं बैठा था, मैच चल रहा था, और किसी मैच किसी की टीम जीत गई, और उसने कहा हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। तो ये बात जब मैं आपको आके बताऊंगा बेटा, तो मैं क्या कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि भाई वो अर्जुन वहां बैठा था और उसने पता क्या किया, उसने कहा हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। नो, मैं बेटा आपको ये कहूंगा कि वहां अर्जुन बैठा था और उसने बड़ी जॉय के साथ कहा कि हम मैच जीत चुके हैं, ठीक है। मैं उसका एक्शन करके थोड़ी दिखाऊंगा हुर्रे, ठीक है। मान लो कोई आदमी ने बहुत जोर से बाइक कहीं एक्सीडेंट कर दी, तो आप जब किसी को बात बताते तो आप भी एक्सीडेंट करके दिखाते हो क्या, नहीं ना, ये करके दिखाते हो, आप कहते हो भाई भाई उसने बहुत जोर से बाइक ठोक दी तो ऐसा हुआ, ठीक है। जब बात बताई जाती है तो बेटा अपने शब्दों में बताई जाती है, वैसा बिल्कुल डिटो करके नहीं दिखाना होता, करके दिखाना है वो आपकी मर्जी है, आपकी श्रद्धा है, कर लेना, मजा आएगा, ठीक है। तो हुर्रे, तो उसको हुर्रे को बेटा लिखा जाता है एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ठीक है। कंजक्शन आ गया बेटा दैट, प्रेजेंट परफेक्ट था जो चेंज हो गया
पास्ट परफेक्ट में, और अपना का बन गया भाई सेंटेंस बन गया, का बन गया सेंटेंस। क्लियर? और कुछ? अब एक फुल सेंटेंस जो एक्सक्लेमेशन वाला होता है थोड़ा उसका करें। चलो एक और कर देते हैं। ब्रेवो, सॉरी, ब्रेवो, यू हैव डन वेल। डेविड ने कहा ब्रेवो यू हैव डन वेल कि तुम अच्छा, यानी कि तुमने अच्छा किया, यानी कि तुमने जो भी किया अच्छा किया। क्या लिखा बेटा? ये एक्सक्लेमेशन की काइंड है, लेकिन ये एक तरह की प्रशंसा है, अपलॉड किया जाता है ना। तो इसका सेंटेंस बनेगा डेविड अपलॉडेड हिम सेइंग दैट, डेविड अपलॉडेड हिम सेइंग दैट ही had done well। डेविड ने उसकी ये कहते हुए प्रशंसा की, क्या कहते हुए भाई? भाई तुमने क्या किया है? अच्छा किया है। डेविड ने उसकी ये कहते हुए प्रशंसा की कि भाई तुमने क्या किया है, जो भी किया है अच्छा किया है, जो भी किया है अच्छा किया है, जब मर जा। कर लिया तो खत्म, ठीक है, कहां जा? गो टू हेल। ओके, अब एक फुल सेंटेंस की एक्सक्लेमेशन करते। ही सैड व्हाट अ ब्यूटीफुल कार, व्हाट अ ब्यूटीफुल। यानी कि कंप्लीट सेंटेंस बेटा एक एक्सक्लेमेशन है। अब एक वर्ड एक्सक्लेमेटरी नहीं है, कंप्लीट सेंटेंस एक एक्सक्लेमेशन है। व्हाट अ ब्यूटीफुल कार, समझे? तो अब जब कंप्लीट सेंटेंस एक्सक्लेमेशन होता है तो कोई एक्सप्रेशन नहीं है, तो सीधा लिखा जाता है ही एक्सक्लेम्ड। क्या लिखा जाएगा बेटा? सीधा ही एक्सक्लेम्ड दैट, यानी कि सिर्फ एक्सक्लेमेशन है। किस टाइप की एक्सक्लेमेशन है? सरप्राइज वाली है, जॉय वाली है, दुख वाली है, कैसी है, घृणा वाली है, डिस्गस्ट है, उसके बारे में अपने को नहीं पता, ठीक है। बस सीधा सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन है तो अपना सीधे लिखेंगे ही एक्सक्लेम्ड दैट। कंप्लीट सेंटेंस पे एक्सक्लेमेशन मार्क है ना, तो सीधा लिखेंगे बेटा ही एक्सक्लेम्ड दैट, दैट इट वॉज अ very beautiful car, कि यह बहुत ही सुंदर कार थी। He exclaimed that it was a very beautiful car, उसने exclaim किया यह कहते हुए कि यह बहुत सुंदर कार थी। अब आप कहोगे सर very beautiful कहां से हो गया, उसने तो कहा था what a beautiful car, और सर ये डब्ल्यू एच वर्ड है दैट क्यों आया? अरे भाई पहली बात तो ये क्वेश्चन नहीं है। व्हाट और हाउ एक्सक्लेमेशन भी शो करते हैं, और दूसरी बात भैया सेंटेंस का अगर मैं कह रहा हूं अरे भाई कितना बढ़िया मोबाइल है तेरा, तो आप उससे पूछ नहीं रहे हैं भी कितना बढ़िया है, आप कह रहे होते हैं भाई बहुत बढ़िया है। फीलिंग तो आपकी यही होती है ना, आप किसी को अरे कितना बड़ा कर रहा है भाई, तो आप पूछ थोड़ी रहते हैं कितना बड़ा है, तो आप पूछ रहे होते हैं भाई देख कितना बड़ा घर, ठीक है, आप एक्सक्लेम कर रहे होते हैं, यानी कि बात को बढ़ा चढ़ा के नहीं कहते, जस्ट अपनी फीलिंग एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि आप सरप्राइज हो, ठीक है। तो यहां अगर ऐड करना चाहो तो एक एक्सक्लेमेशन ऐड कर सकते हो, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट। अगर नहीं लिखना चाहते तो उसकी कोई बात नहीं, अगर लिखना चाहते हैं तो चाहे आप उसे ब्रैकेट में भी लिख लें,
विद सरप्राइज, लिखना चाहे तो कोई आप पे बेटा मजबूरी या थोपी नहीं जा रही है बात कि आपने सरप्राइज लिखना ही लिखना है, बिकॉज सारे सरप्राइज वाले सेंटेंस नहीं होंगे, समझे। एक ऐसा ही और करते हैं, ठीक है। She said, how ugly I look. उसने कहा कि मैं कितनी भद्दी लगती हूं। कुछ और करते हैं, how ugly I look in this dress. इस ड्रेस में कितनी भद्दी लगती, ड्रेस ही भद्दी है तो भद्दी लगना है भाई, ठीक है। वैसे ड्रेस की क्या गलती, शक्ल मेरी जैसी होगी, मैं इतना भद्दा हूँ, ठीक है भाई, मर्जी आपकी। तो she said, how ugly I look in this dress, कि मैं इस ड्रेस में कितनी भद्दी लगती हूं। तो पूछ नहीं रही है कि मैं कितनी भद्दी लगती हूं, वो बता रही है, यानी कि उसको पता है कि मैं अच्छी नहीं लग रही हूं, ये ड्रेस मेरे पे सूट नहीं कर रही। तो अभी उसी तरह से सेंटेंस बनेगा ना बेटा, तो क्या आएगा, शी एक्सक्लेम्ड ही आएगा ना, क्योंकि पूरे सेंटेंस पे एक्सक्लेमेशन मार्क, सॉरी पूरे सेंटेंस पे एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो शी एक्सक्लेम्ड। अब ये कोई सरप्राइज नहीं है, ऐसी बात पे कोई सरप्राइज नहीं होता है, इसलिए मैंने वहां सरप्राइज ब्रैकेट में लिखाया था। तो शी एक्सक्लेम्ड दैट शी, अब बेटा ये वर्ब है, ये बार वाले पास के अकॉर्डिंग पास्ट में आ जाएगी, दैट शी लुक्ड वेरी अगली इन दिस, किस में चेंज हो जाएगा बेटा, दैट में, दैट इन दैट ड्रेस, कि वह उस ड्रेस में क्या थी, बहुत ही भद्दी लग रही थी। ऐसा क्या किया था उसने, एक्सक्लेम किया था, ठीक है। तो अभी दो तीन और करते हैं अपने बेटा, हाउ ब्यूटिफुल इज रेन, हाउ ब्यूटिफुल इज द रेन, हाउ ब्यूटिफुल इज द रेन। तो बेटा वो पूछ थोड़ी रहा है कि रेन कितनी की ब्यूटीफुल है, यानी कि वो एक तरह से अपनी फीलिंग बताना चाह रहा है, भाई भी मजा आ गया, कितनी बढ़िया बरसात हो रही, यही कहना चाह रहा है। तो इसका बनेगा, अर्जुन एक्सक्लेम दैट द रेन वॉज वेरी ब्यूटीफुल। अर्जुन ने क्या किया बेटा, एक्सक्लेम किया कि जो रेन थी, जो बारिश थी, वो बहुत ही खूबसूरत थी। अब आप कहोगे कि ये वॉज कहां से आया, ये वॉज इस चीज के कारण आया है, और ये इज वॉज में इसलिए चेंज हुआ है क्योंकि बाहर क्या था, पास्ट, ठीक है। तो अभी अपने बचे हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, तो वो उनका डायरेक्ट से इंटरेक्ट करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।